हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं निसान मैग्नाइट XL मॉडल की। हालांकि निसान कंपनी ने इस कार को बनाकर कोई गलती तो नहीं की है, लेकिन और कंपनियों की कारों को टक्कर देने के लिए ये बाजार में जो कार उतारी है और कंपनियों में काफ़ी खलबली मची हुई है। अब हम बात करते हैं इस कार में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या इसके प्राइस रहने वाले हैं। XL मॉडल है मैग्नाइट का, तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्रंट लुक में देखेंगे कि हमें क्या क्या यहाँ पर मिलता है, तो फ्रंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट लुक कुछ ऐसा दिखाई देता है। और पास से देखेंगे तो निसान का लोगो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर क्रोम ग्रिल मिल जाती है, ब्लैक कलर में जाली बम्पर पर मिल जाती है। यहाँ पर जो है नंबर प्लेट और डुअल टोन में बम्पर आपको फ्रंट दिखाई देगा। नीचे से कुछ ऐसी कार आपको देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का देखने को इस कार के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेंगे इंडिकेटर लाइट प्रोफाइल में हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। और नीचे की साइड में भी आपको क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाएगी। और कुछ प्रोफाइल साइड से ऐसी दिखाई देती है फ्रंट लुक की। और हम देखते हैं तो साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो कुछ प्रीमियम लुक दिखाई देता है फ्रंट में। और इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें डिस्क ब्रेक फ्रंट में देखने को मिलेंगे और वहीं पर 16 इंच के व्हील देखने को मिल जाएंगे। और व्हील कवर भी इस कार के साथ में आपको मिल जाएंगे। ये ब्लैक कलर का पूरा चारों तरफ एक मतलब कि पट्टी घूमी हुई है और यहाँ पर निसान मैग्नाइट लिखा हुआ है। ऊपर की साइड में देखेंगे तो दो वाइपर आपको दिखाई देंगे। और बहुत कारें ऐसी हैं जिनमें एक वाइपर भी मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे रियर व्यू मिरर पर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। रेड पे ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। ऊपर की साइड में रूफ रेल मिल जाती हैं और पावर एंटीना ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कीलेस एंट्री के साथ में एंट्री करेंगे। ड्राइवर डोर को ओपन करेंगे तो डुअल टोन में गेट आपको देखने को मिलेगा। और इस पर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वही मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अनलॉक करने का सिस्टम मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रंट में देखेंगे तो ये आप मिरर को सेट कर सकते हैं। ये आप पावर मिरर हैं इलेक्ट्रिक फोल्ड वाले, तो इनको आप सेट कर सकते हैं। और पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो मैंने आपको फोल्ड करके भी दिखा दिए। और ये चारों विंडो पावर का ऑप्शन मिल जाता है, लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, पकड़कर बंद करने का ऑप्शन मिल जाता है। और डिफरेंट कलर यहाँ पर मिलेगा, कुछ स्पेस, बोतल होल्डर, स्पीकर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सीट प्रोफाइल को देखेंगे तो आगे पीछे आप इस सीट को कर सकते हैं। और यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल वाली सीट नहीं मिलती। फ्यूल टैंक ओपन करने का फीचर्स मिल जाता है यहाँ पर राइट साइड में। और फ्यूल टैंक, पेट्रोल टैंक यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो तीन पैंडल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बोनेट ओपन करने का एक फीचर्स मिल जाता है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको ओपन कर लेंगे, ये जो बोनेट है। और बोनेट को ओपन करने के बाद मैं इंजन के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। क्योंकि जो इसकी ये बॉडी है, बॉडी के अंदर इंजन मिलता है, बॉडी के बाहर काफ़ी सुंदर बनावट दिखती है, लेकिन इंजन कैसा दिखाई देता है वो आपको नहीं दिखता जब तक कि बॉडी यहाँ पर लगी हुई होती है पूरी। तो ये ओपन हो गया, तो काफ़ी बड़ा इंजन लगा हुआ है इसमें। इंजन इसके अंदर P4D 1.0 999 cc वाला आपको देखने को मिलेगा पेट्रोल इंजन, जो कि 71.2 bhp पावर जनरेट करता है 6250 rpm पर। और मैक्सिमम पावर 96 nm पावर जनरेट करता है 3500 rpm पर। तीन सिलेंडर इंजन इस कार के अंदर आपको लगा मिलेगा, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में ये आप देख रहे हैं। तो कुछ इंजन प्रोफाइल ऐसी है, इसको बंद कर देते हैं और फिर जो है केबिन की तरफ देखते हैं। केबिन के अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है लाइटों को सेट कर सकते हैं की, और यहाँ पर लाइटों को जला सकते हैं, पासिंग दे सकते हैं और इंडिकेटर को जला सकते हैं। एसी बेंट मिल जाता है, डुअल टोन में पूरा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सिंपल है। अंदर की साइड में निसान का लोगो मिल जाता है, एयर बैग मिल जाता है। और यहाँ पर म्यूजिक को चलाने के लिए कुछ फीचर्स, कॉल को काटने के लिए या कनेक्ट करने का ऑप्शन। यहाँ पर जो है एडजस्टेबल वाला स्टेयरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इधर की साइड से वाइपर चला सकते हैं। यहाँ पर ग्लव कंपार्टमेंट में आपको इसमें डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ऑटोमीटर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेदर स्टेयरिंग है, यहाँ पर दो एसी वेंट हैं म्यूजिक के नाम पर, कुछ ये सारा सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको रेडियो, चार स्पीकर, इंटीग्रेटेड टू इन ऑडियो जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से चारों इंडिकेटर आप जला सकते हैं और यहाँ से लॉक कर सकते हैं चारों विंडो को, यानी कि चारों गेट को। एसी का पूरा सिस्टम मिल जाता है, हीटर का सिस्टम मिल जाता है, कुछ स्पेस, 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कुछ स्पेस अंदर की साइड में, गियर लीवर कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये काफ़ी अच्छा है, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स में, तो ये भी ठीक है। हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर कप होल्डर और कुछ स्पेस देखने को मिलेगा। सीट बेल्ट कनेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। डे नाइट वाला मिरर मिल जाएगा।
और यहाँ पर आप लाइटों को देख रहे हैं और यहाँ पर सन वाइज़र देख रहे हैं और यहाँ पर जो है वैनिटी मिरर भी मिलता है, मिरर इधर की साइड में नहीं मिलता। तो ये धूप से बचने के लिए काफ़ी अच्छे हैं ऊपर की साइड में, फ्रंट में, और केबिन कुछ ऐसा दिखता है। अब हम दूसरी साइड में देखेंगे कि वहाँ पर हमें क्या ही मिलने वाला है। दूसरे डोर पर चलते हैं और पैसेंजर डोर पर देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही ओपन कर लेते हैं, कीलेस एंट्री के साथ में, डुअल टोन में गेट पूरा, और यहाँ से लॉक अनलॉक डुअल टोन में मिल जाता है, और यहाँ से पावर विंडो का एक ऑप्शन, कुछ स्पेस और बोतल होल्डर, स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। सीट प्रोफाइल की बात करें, आगे पीछे आप कर सकते हैं, एडजस्टेबल सीटें हैं, ऊपर की साइड में हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एसी वेंट, एयर बैग और कुछ यहाँ पर ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। डुअल टोन में डैशबोर्ड मिलेगा देखने के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा, मतलब अंदर इंटीरियर में सारा सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। पीछे वाली रोके गेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा मिलता है, जो फ्रंट पैसेंजर गेट मिलता है वही यहाँ पर पीछे वाली रो में गेट मिल जाता है। अंदर की साइड में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है पूरा केबिन, और अंदर बैठने के बाद देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, तो कुछ ऐसा पूरा केबिन दिखाई देगा। मैं इसके थोड़े सेफ्टी फीचर के बारे में बात करता हूँ। सेफ्टी फीचर के नाम पे एबीएस सिस्टम मिलता है और इसमें सेंटर लॉक, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक, एंटी थीप अलार्म, दो एयरबैग, रियर सीट बेल्ट भी मिलती है, सीट बेल्ट वार्निंग और एडजस्टेबल सीटें हैं, टायर प्रेशर मॉनिटर, क्रश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग और स्पीड सेंसर, ऑटो डोर लॉक, हिल असिस्ट और एंटी थीप अलार्म, जैसे ये सारे फीचर सेफ्टी के नाम पर मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। पीछे की साइड में एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है, यहाँ पर पीछे का डैशबोर्ड लगा हुआ नहीं है इसमें। अभी पीछे भी चलेंगे तो पीछे भी देखेंगे क्या क्या मिलता है। पीछे वाले जो आप टायर देख रहे हैं, इनके अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, ड्रम ब्रेक मिलेंगे। यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेंगी, मैग्नाइट लिखा हुआ है, निशान का लोगो, वाइपर मिल जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर की साइड में एक लाइट भी मिलेगी। हालांकि इतने प्राइस में पीछे वाला डिफॉगर नहीं मिलता और कारों के मॉडल में। और यहाँ से ओपन करते हैं, ओपन आप प्रेस करेंगे, ओपन हो जाएगा बूट स्पेस, और यहाँ पर आपको प्रेस यहाँ से कर सकते हैं, दोनों साइडों में लाइटें मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको बूट स्पेस 336 लीटर का मिलता है, तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस इस कार के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो स्टेपनी का टायर आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ टूल्स भी इस कार के साथ में आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि जब आप परचेस करेंगे तो मिलेंगे साथ में। तो ये पीछे की प्रोफाइल कुछ ऐसी है, और यहाँ पर आपको रियर पार्किंग सेंसर जैसे भी फीचर्स देखने को पीछे की साइड में मिल जाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि इसमें पार्किंग सेंसर मिल जाता है। और यहाँ पर हम फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्यूल टाइप इसमें पेट्रोल चलता है और माइलेज देती है 18.75 किलोमीटर पर लीटर का, 40 लीटर का फ्यूल टैंक है। और इस कार की लेंथ की बात करें तो इसकी 3994 mm की लेंथ है, विड्थ 1758 mm, हाइट 1572, और इसमें व्हील बेस 2500 mm के देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके प्राइस की, 7,04,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत देखने को मिलेगी, ऑन रोड कीमत 7,99,000 रुपये के समथिंग आपको देखने को मिलेगी।